महादेव अष्टम निशांत भारत ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूँ। अभी 3-4 दिन पहले गुरु स्थान पे थे, गुरु साहब के चरणों में थे। गुरु साहब के चरणों में तो ज्ञान की गंगा बहती है। एक कहा था ना कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो ज्ञान की गंगा बहती रहती है गुरु साहब की। और आज जिस प्रसंग पे हम चर्चा करने वाले हैं वो प्रसंग बड़ा ही प्रत्यक्ष देखा हुआ है, अनुभवित किया हुआ है। बात सिर्फ समझने की है। रोज देखते हैं, आपने देखा होगा कि लोग अक्सर दूसरे की बुराई देखते हैं, उन्हें उस आदमी की अच्छाई दिखती ही नहीं है। और ये मैं एक या दो आदमियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने लगभग अपने जीवन काल में लगभग सभी आदमियों को ये करते हुए देखा। मैं भी ऐसा ही था। अब मुझे उनसे जो है कुंठा होने लगी कि ये लोग क्यों अच्छाई नहीं देख सकते क्या? भाई मुझे आपको बुराई लेनी है क्या उससे? तो क्यों देखते हो बुराई? हर व्यक्ति में एक अच्छाई भी होती है। तो वो आप अगर उस अच्छाई को देखेंगे, उसे ग्रहण करेंगे तो आपका जीवन भी अच्छा होगा। आप उसकी बुराई देखेंगे, बुराई ग्रहण करेंगे तो आपका जीवन भी खराब होगा उसकी तरह। लोग फिर आपके बारे में वो चीज़ें कहेंगे जो आज उसके बारे में आप कह रहे हो, और आपके पीछे से आपकी भी लोग बुराइयां ही कहते होंगे। बट ऐसा क्यों है? उसका कारण क्या है? आप एक कतार में देखे, लोगों में भेड़ चाल है, एक चलेगा तो पीछे दूसरा चलेगा, दूसरा चलेगा तो तीसरा चलेगा। जैसे चींटियां कतार बना के चलती हैं, वैसे ही इंसानों में भी भेड़ चाल है। आपने देखा होगा कि कोई एक नया ट्रेंड कपड़ों में शुरू हो जाए तो लोग वैसे ही पहनने लगते हैं। खाने का कोई ट्रेंड शुरू हो जाए तो लोग पागलों की तरह पिज्जा 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 करने लगते हैं। फटी जीन्स का ट्रेंड शुरू हो गया तो फटी हुई जीन्स पहनने लगते हैं। या कोई एक न्यूज़ किसी चैनल पे आ जाए तो सब चैनलों पे वही न्यूज़ आने लगती है, युद्ध युद्ध युद्ध, मर गए मर गए मर गए, या तो मोदी 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 या तो केजरीवाल के, मतलब भेड़ चाल है। एक ने किया थोड़ा सा हो हल्ला और सारे हो हल्ला करने लग गए। ये सारे ही जीवों में है। हाथी चलते हैं तो भी कतार से चलते हैं। एक कुत्ता भौंकने लग जाए तो बाकी सारे कुत्ते बिना कारण के भौंकने लग जाते हैं। और इंसानों का तो इतना अच्छा मामला है कि एक आदमी खड़ा होके ऐसे ही बिना कारण के किसी बिल्डिंग को देखने लगे तो बाकी भी वहां देखने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। उनको नहीं पता वो क्या देख रहे हैं और क्यों देख रहे हैं। सब एक दूसरे से पूछते रहते हैं, क्या मतलब समझे नहीं। बोलता मुझे भी नहीं पता, ये सामने वाला ये देख रहा था इसलिए मैं देख रहा था, कारण नहीं। तो इस तरीके के हालात हो जाते हैं। आदमी अपने कंधे पे एक कावड़ लेके चलता है जिसमें एक एक तरफ की जो टोकरी होती है उसमें पुण्य होते हैं और एक तरफ की टोकरी में पाप होते हैं। तो आगे वाली टोकरी में पुण्य होते हैं और पीछे वाली टोकरी में पाप होते हैं। तो आपके पास चले, आपके पीछे जो चलेगा उसको क्या दिखेगा आपका?
आपका वही आपकी बुराइयां ही दिखेगी, जो पाप कर्म आपने किए हैं वही दिखेंगे। तो बड़ाई कैसे कर देगा और उसे अपना क्या दिखेगा? अपने पुण्य कर्म किए हुए दिखेंगे। तो वो हमेशा सोचता है मैं तो अच्छा ही हूँ, मेरे में क्या बुराई है, मैंने तो दुनिया का भला ही सोचा है, मैं तो सबका अच्छा सोचता हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि लोग मेरी बुराइयाँ करते हैं? जबकि उसी के पीछे की टोकरी के अंदर उसके पाप होंगे, तो जो पिछले वाले को दिख रहे होंगे। तो जब दिखते ही, क्योंकि आगे का आपका आगे का पोर्शन तो दिखता ही नहीं ना भाई, जब दिखते ही आप आपके पाप कर्म हैं, जब दिखते ही आप आपके बुरे कर्म हैं, तो वो बुराइयाँ ही देखेगा, वही बोलेगा। और खुद के उसे अच्छे कर्म दिखते हैं तो अच्छा ही बोलेगा। ये हमारा देखने का नज़रिया है, हमने कभी थोड़ा सा हट के उसके पाप पुण्य कर्मों को देखने का प्रयास ही नहीं किया। यदि हम प्रयास करते तो हमें दिखाई देते, बट कोई नहीं करता, एक लाइन से चलते रहते हैं। ये बड़ी विचित्र बात है और ये हर इंसान के साथ है। उसे लगता है मैं बहुत अच्छा हूं, पर ये देखो कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, जो हजारों मर्डर कर चुका है वो भी जस्टिफाई कर देता है कि मैं बहुत अच्छा हूं। जिन्होंने बहुत सारे कुकर्म किए वो भी उन कुकर्मों को जस्टिफाई कर देता है कि मैं बहुत अच्छा हूं, ये तो मैंने मजबूरी में कर लिया, बाकी मैं ऐसा हूं नहीं। तो आप सोचिए, और ये मैं मतलब किसी एक इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हर इंसान के साथ ये है, किसी के साथ कम किसी के साथ ज़्यादा। किसी की अच्छाई दिखती ही नहीं है, और हर आदमी में एक ना एक अच्छाई होती है, ये निश्चित है, हर जीव में होती है, इंसान तो छोड़िए कुत्ते बिल्लियों में भी कुछ ना कुछ अच्छाई होगी। देखते कितने हैं और देखना चाहते कितने हैं, और अपनी बुराइयां देख नहीं पाते क्योंकि वो पीछे वाली टोकरी में है, आपके पाप कर्म वो दिखते ही नहीं है, कर दिए और डाल दिए, देखना ही नहीं चाहते, प्रयास ही नहीं करके पीछे मुड़ के देख ले कि हमने भी क्या किया है भाई, या पीछे मुड़ के उसकी पिछले वाले की अच्छाई दिख जाए ना, बिल्कुल प्रयास नहीं करते। इसलिए कहते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर अच्छाइयां देखनी चाहिए, और अच्छाइयां देखने के लिए थोड़ा आउट ऑफ द वे जाना पड़ता है, लाइन से नहीं जाना पड़ता, भेड़ चाल को तोड़कर, उस चक्र को तोड़कर सामने वाले के। दुनिया में आज तक सब लोग बुराई देखते हैं तो हम क्यों देखे भाई, हम उसकी अच्छाई देखें, हमें अच्छाई लेनी है, तो क्योंकि अच्छाई आपके पास आपने ले ली आपके काम आएगी, बुराई तो आपका बुरा ही करेगी। उसके लिए वो भेड़ चाल और वो लाइन को तोड़ना पड़ता है, बिना लाइन तोड़े ये संभव नहीं है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप लाइन को तोड़िए, लोगों में अच्छाई देखिए, उस कावड़ की तरह सिर्फ उसकी बुराइयां ना देखें, और अपनी अच्छाइयां ना देखें, अपनी बुराइयों को देखें और दूसरों की अच्छाइयों को देखें। अगर जीवन में आपको उन्नति करनी है, ऊर्ध्वगामी होना है, अधोगामी होना है, तो चल ही रहे मामला, चल ही रहे। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा, आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हरी चर्चा पहुँचे, कमेंट कीजिए, और निवेदन है कि कंट्रीब्यूट जरूर कीजिए जितना भी कर सकते हैं। महादेव।